भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का प्रचार के लिए शनिवार को पूर्व सीएम अनहेल की सभा में आए। अपने भाषण में पीएम मोदी के हाथ में देश सुरक्षित होने को कहा, बोले वह शुरू से आतंकवाद के खिलाफ हैं। चौहान ने झिरनिया कांड के आरोपी सोहराबुद्दीन का नाम लिए बगैर कहा कि जिसके घर में हथियारों का जखीरा मिला था उसे मोदी ने मुख्यमंत्री रहते गुजरात में एनकाउंटर में खत्म करवा दिया था। चौहान के इस भाषण के दौरान मंच पर सोहराबुद्दीन का छोटा भाई शाहनवाज कुरैशी भी मौजूद था। भाजपा के सदस्य कुरैशी को संगठन ने उन्हेल में बूथ की जिम्मेदारी सौंप रखी है। याद रहे कि सोहराबुद्दीन व उसकी पत्नी इशरत जहां के एनकाउंटर को लेकर देश भर में काफ़ी बवाल मचा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सिमी के खात्मे का श्रेय लिया। 22 मिनट तक दिए भाषण में चौहान ने 7 मिनट का आतंकवाद पर भाषण दिया। कहा कि मोदी ने देश से आतंकवादियों के सफाए का अभियान चला रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के सीएम सिमी के जड़े खोखली कर दी हैं। उनके समय में खंडवा जेल से भागे सिमी आतंकवादियों का सफाया हो चुका था। कुरैशी के साथ फोटो का वायरल होना भी बवाल का कारण मच रहा है। चौहान के भाषण में सोहराबुद्दीन के जिक्र से लोगों में सकते में रह गए। कारण मंच पर खड़े कुरैशी के क्षेत्र में पहचान है। अधिकांश को उसका सोहराबु से रिश्ता भी पता है। यही वजह है कि चौहान का भाषण में चर्चा में बना हुआ है। लोगों ने चौहान की कुरैशी का मंच पर लिया फोटो फेसबुक पर वायरल कर दिया है, जिसके पर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। हालांकि कुरैशी परिवार से अलग रहते हुए एनकाउंटर को लेकर हुई प्रतिक्रिया से काफ़ी दूर रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, HMTV लाइव।